मेवाड़ स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में 14वीं राज्य स्तरीय मेवाड़ ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ रोड स्थित सुखाड़िया स्टेडियम में हुआ। T20 फॉर्मेट के आधार पर खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 8 टीमें पुरुषों की और 2 महिलाओं की होंगी। नॉकआउट पद्धति से खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता के 20-20 ओवर के मैच होंगे। सेमीफाइनल मुकाबले 6 जनवरी को खेले जाएंगे और फाइनल मैच 7 जनवरी को होगा। हर मैच के मैन ऑफ द मैच रहने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जाएगा। फाइनल में विजेता व उपविजेता को शील्ड के साथ आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, अध्यक्षता समाज सेवी व उद्योगपति लक्ष्मी लाल गांधी, समाज सेवी कमल कुमार जैन, युवा उद्योगपति मोहित सरीन, मेवाड़ स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष रतन चौधरी, भीलवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष महेंद्र नाहर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, समाज सेवी नीरज मान सिंह का और कन्हैया लाल स्वर्णकार मौजूद थे। स्पोर्ट्स क्लब के सचिव हैं, वो 2013 तक लगातार राज्य स्तरीय टूर्नामेंट यहाँ कराते रहे। बीच में कुछ ब्रेक आ गया, अब उन्होंने वापस शुरू किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसके अलावा इस ग्राउंड का जीर्णोद्धार पिछले 2 साल से चल रहा था, वो अब पूर्ण हो चुका है। भीलवाड़ा में क्रिकेट निरंतर चलती है। राजस्थान में कुछ 7-8-10 जिले ही ऐसे हैं जहाँ क्रिकेट निरंतर चलती है, और उसका रिजल्ट भी है कि भीलवाड़ा के खिलाड़ी आज हर फॉर्मेट में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो खिलाड़ियों के लिए मददगार होगा, ऐसा हम सोचते हैं। और नवनिर्वाचित अभी विधायक अशोक जी कोठारी साहब ने नेतृत्व संभाला है भीलवाड़ा का। खेल जगत भी इनसे काफ़ी उम्मीद करता है, और जैसा उन्होंने बताया कि जब जब मेरी ज़रूरत है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। महावीर जी राव मेवाड़ स्पोर्ट्स क्लब के सचिव हैं, वो 2013 तक लगातार राज्य स्तरीय टूर्नामेंट यहाँ कराते रहे। बीच में कुछ ब्रेक आ गया, अब उन्होंने वापस शुरू किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसके अलावा इस ग्राउंड का जीर्णोद्धार पिछले 2 साल से चल रहा था, वो अब पूर्ण हो चुका है। भीलवाड़ा में क्रिकेट निरंतर चलती है। राजस्थान में कुछ 7-8-10 जिले ही ऐसे हैं जहां क्रिकेट निरंतर चलती है, और उसका रिजल्ट भी है कि भीलवाड़ा के खिलाड़ी आज हर फॉर्मेट में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो खिलाड़ियों के लिए मददगार होगा, ऐसा हम सोचते हैं। और नवनिर्वाचित अभी विधायक अशोक जी कोठारी साहब ने नेतृत्व संभाला है भीलवाड़ा का। खेल जगत भी इनसे काफ़ी उम्मीद करता है, और जैसा उन्होंने बताया कि जब जब मेरी ज़रूरत है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। क्या भविष्य कोई बड़े आयोजन होने जा रहा है जल्द इस साल सुखाड़िया को? सुखाड़िया राज्य स्तरीय टूर्नामेंट इस साल हम लेंगे, क्योंकि इस साल ही इसका जीर्णोद्धार पूरा हुआ है, तो अंडर 16 अंडर 19 कैटेगरी के मैचेस राज्य स्तरीय अपने को भीलवाड़ा में मिलेंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भी भीलवाड़ा की दखलंदाजी हमेशा रहती है, तो उसका एडवांटेज भी भीलवाड़ा को मिलता है, अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने एक 4th नंबर का ग्राउंड है राजस्थान में, जयपुर जोधपुर और उसके बाद भीलवाड़ा और कोटा, ये 4 ग्राउंड यहाँ पर हैं जो एक स्टेडियम का शेप ले चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम इसको और अच्छा करेंगे। रतन जी के और महावीर जी राव साहब के प्रयासों के कारण अब प्रतियोगिता का आयोजन वापस हुआ है, इसे आप कैसा देखते हैं? और लगातार प्रयास करते हैं कि राव साहब के भाई बच्चों को किस प्रकार आगे बढ़ाकर एक प्रदेश में अपना नाम कमा भीलवाड़ा वासी। महावीर जी राव शुरू से स्पोर्ट्स प्रेमी रहे हैं, रतन जी भाई साहब खुद स्पोर्ट्स प्रेमी हैं, ये दोनों वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। महावीर जी क्रिकेट से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जब से हमारी क्रिकेट एसोसिएशन बनी है, जब से महावीर जी का पूरा सहयोग क्रिकेट के लिए रहा है, आज किसी भी जगह हमारे को ज़रूरत हुई है तो हमने इनके ऊपर जो भी जिम्मेदारी डाली है वो जिम्मेदारी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाई है, और आने वाले टाइम पे भी हम अब जब इनका रिटायरमेंट हो चुका है तो हम इनको क्रिकेट में काफ़ी कुछ इनसे मदद लेना चाहेंगे। ठीक है, आज आप
14वीं राज्य स्तरीय मेवाड़ ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन में आने का अवसर मिला। अच्छा लगता है और ये जो अपना जो मेवाड़ स्पोर्ट्स क्लब है, पहले भी कई बार अच्छे से गेम्स करा चुके हैं सभी तरह के, और शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत बच्चे भी खूब आगे बढ़े, देश का गौरव बढ़ाएं, और खेलों के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, जो भी बेस्ट हो सकता है करने के लिए तैयार है। टोरेन वर्ल्ड स्कूल प्ले ग्रुप नर्सरी से कक्षा 5वीं तक CBSE कोर्स, एडमिशन ओपन, मल्टी मॉडल लर्निंग, पियर्सन पाठ्यक्रम, NEP और NCA, उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, कम फीस शुल्क संरचना जो सभी लोगों के लिए आसानी से प्रबंधन की जा सकती है, घर जैसा माहौल, स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान, CCTV कैमरे और स्मार्ट क्लासेस, आपके अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और स्वच्छता से परिपूर्ण विद्यालय, बच्चों को मात्र शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा के साथ साथ बालक को सर्वांगीण विकास भी दे रहा है, जैसे व्यायाम, म्यूजिक, डांस, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट, परिवहन सुविधा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दैनिक अपडेट भी प्रदान कराते हैं। टोरेन वर्ल्ड स्कूल, 201 सी ब्लॉक, हिरण मगरी, सेक्टर 9, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9587290784।